यह है आज से 100 साल पुरानी एक अतरंगी बंदूक। इस बंदूक को उस समय के जो फ्रांस के गुंडे थे वो यूज करते थे। इस बंदूक के 3 फायदे हैं। पहला फायदा, ये एक बंदूक तो ही है, दूसरा फायदा ये एक चाकू का काम भी करती है, और तीसरा फायदा ये एक मुक्के के ऊपर जो हम स्टील डालते हैं मुक्का मारने का काम भी करती है। मतलब मुक्का मारने में ग्रिप अच्छी बनती है, अगले बंदे का मुंह अच्छा फूटेगा। क्या लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से किस इंसान की बाइसेप्स डोले शोले सबसे बड़े होंगे? इस दुनिया में सबसे बड़ी बाइसेप्स हैं इजिप्ट के रहने वाले 24 साल के मुस्तफा इस्माइल की। इनके डोले अभी 31 इंच के, और ये चाहते हैं कि इसे और बड़ा किया जाए। ये रोज दिन में 2 बार जिम जाते हैं, 3-3 घंटे जिम करते हैं। ये एक दिन में लगभग 1.5 kg चिकन, 1/2 kg फिश, 4 कप बादाम और 4 लीटर प्रोटीन शेक पीते हैं। सुनने के बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सच्चाई से हम कब तक मुंह फेर सकते हैं, ये फैक्ट सच है। फैक्ट ये है कि इस साल बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल चुका है पर कैपिटा इनकम में, मतलब कि बांग्लादेश का आम इंसान इंडिया के आम इंसान से ज्यादा अमीर है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2,169, वहीं बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है $2,173। इससे पहले तो हम बहुत सारे बहाने मारते थे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन फिर भी वो इंडिया से ज्यादा तेज ग्रो कर रहा है। सुनने में कड़वा लग रहा होगा लेकिन ये सच है। और बात करें हम श्रीलंका के पर कैपिटा इनकम की तो वो इंडिया से डबल है, वो है 3818। तो ऐसा करते करते हम देख रहे हैं कि इंडिया के सारे पड़ोसी देश इंडिया से आगे निकलते जा रहे हैं, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ लड़ के बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सुनने के बाद आप में से कुछ लोग कमेंट्स में गालियां देना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दो, लेकिन सच तो सच है।